दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RNS Education News में। दोस्तों, RPSC RAS 2018 का परिणाम जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये रिजल्ट 23/10/2018 रात को, देर रात ये रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट प्रीमेबल एंड कट ऑफ मार्क्स ऑफ राजस्थान स्टेट एंड सबॉर्डिनेट सर्विस कम्बाइंड कंपटीशन एग्जाम प्री 2018। दोस्तों, रिजल्ट में बहुत कुछ एक नया देखने को मिल रहा है। आप कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक चौंकाने वाला परिणाम है, आप खुद भी देख लें। तो दोस्तों, ये PDF फाइल है और ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे रोल नंबर वाइज दिया गया है, पहले TSP एरिए का दिया गया है, ठीक है। तो TSP एरिए में, इसके अलावा टोटल कैंडिडेट TSP एरिए में पास किए गए हैं, 571 कैंडिडेट्स को पास किया गया है मेंस के लिए। अब यहाँ पे नॉन TSP की लिस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये तो लास्ट में कट ऑफ मार्क्स बताई गई है, वो कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं। और कट ऑफ मार्क्स में भी वही बात विवादित मुझे लग रहा है, ऐसा कि शायद होगा इसमें, निश्चित तौर पर कोर्ट में जाएगी। तो आप खुद भी एनालिसिस करके बता सकते हैं कि क्या वजह रही है और क्या रीजन रह सकता है इसका। तो ये आप कट ऑफ मार्क्स देख लें। सबसे पहले तो ये देखिए TSP एरिया, यहाँ पे देख सकते हैं TSP की जनरल की 73.14, SC का यहाँ पे 75.17, यानी कि SC का कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा है जनरल से TSP एरिया में, और ST का यहाँ पे 55.93, ठीक है। और ये वो कैटेगरियाँ हैं, माइनस में भी हुआ है इसमें तो ओरिजेंटल एक्स TSP एरिया में। यहाँ नॉन TSP का देख सकते हो दोस्तों आप, जर्नल की गई है 76.06%, यानी कि 200 में से 76.06। SC का देख सकते हो 68.01, और ST का देख सकते हैं आप 73.38। तो OBC का दोस्तों जो विवाद होगा वो यहीं पे होगा, 99.33%। तो दोस्तों, पिछली RAS वैकेंसी में भी ऐसा हुआ था कि जनरल के बराबर की गई थी OBC की कट ऑफ, OBC कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, फिर उसे किया गया था बराबर, ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो गए थे। तो दोस्तों, अब अगर OBC के जनरल के बराबर ये कट ऑफ किया जाता है तो बहुत ही, ये तो वही बात विवादित वाली बात हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे OBC और MBC का कट ऑफ रहा है 92.62, तो यहाँ पर MBC का भी कट ऑफ ज़्यादा रहा है। तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल मिलेगी। आप भी बताइए जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।